ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट कि आप लोगों को आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरी, ताकि फिर हम आगे मूव करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन रियली वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बिकॉज टाइम वॉज 9:30 एंड आई वॉज इन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मीटिंग, जो कि जो है वो थोड़ी सी ज्यादा टाइम ले गई। ठीक है, सो आज का जो सेशन है उसको रखने का पर्पज भी कुछ यही है कि आजकल बहुत ज्यादा वर्कलोड है और मसरूफियत है, जिसकी वजह से टाइम निकालना इज काइंड ऑफ बिट डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है, बट क्योंकि ये काम जो है ये उन सारे इंपॉर्टेंट कामों में से ही एक काम है, तो दैट्स वाई हम लोग इसको जो है वो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते और ना ही करते हैं। एंड वन मोर थिंग इज के आई रियली इंजॉय दिस थिंग। ठीक है, तो इसलिए मैं जो चीजें बाय हार्ट कर रही होती हूँ तो उनको तो मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करती। सो आज का जो पर्पज है वो ये है कि आपका जो वीकली Q&A होता है, ठीक है, हर थर्सडे वाले दिन वो आपका होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन अपने ड्रॉप करते हैं और उनके आपको आंसर्स मिल जाते हैं, बट ड्यू टू मसरूफियत मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इट वुड बी लाइक अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी कि आप लोग क्वेश्चंस करें और मैं उनको 24 आवर्स में 48 आवर्स में एड्रेस कर सकूं, बिकॉज देयर आर सो मेनी ग्रुप्स एंड सरफान इज राइट नाउ वेरी मच ऑक्यूपाइड, तो फिर मैं मेल्स के ग्रुप में भी जवाब जो है वो मुझे देना होता है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि व्हाई नॉट इसके बदले जो है वो एक जूम का सेशन रख लिया जाए और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर हो ही जाते हैं। तो आज जो है वो हम जनरल डिस्कशन ही करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे प्रीवियस लेक्चर्स के हवाले से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितना अब तक आप लोगों ने सीखा है उसके हवाले से जो कंफ्यूजन है आप उनके बारे में पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम जो है वो Q&A सेशन क्यों ना जूम पे कर लें। ठीक है, दैट्स वाई जो है वो आज की मीटिंग रखी गई है। ठीक हो गया, सो आई होप सो जो है वो आपको अपने क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली आज का सेशन जो है वो इसलिए रखा गया है। तो अब जो है वो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो देना है जवाब मेरे क्वेश्चन का, फिर उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स ले लूंगी। ठीक है, अच्छा गिव मी 1 मिनट, मैं अभी आ गई। ओके जी, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तक जो है वो हम लोगों ने क्या क्या किया है। अब तक हम लोगों ने किया, पहले मैनुअल हंटिंग थी। ठीक है, क्योंकि देर आर सो मेनी न्यूबीज, वैसे तो इंटर्नशिप में जो है वो मेजोरिटी इंटर्नशिप करने ही वो आता है जिसने कहीं ना कहीं से कोर्स वगैरह किया होता है। सो मैनुअल हंटिंग करवाने का ये पर्पस होता है कि आप कीपा के ऊपर आने से पहले पहले आपका थोड़ा सा होराइजन जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, आपको चीजों के बारे में पता लग जाता है, बहुत से बहुत सी बारीकी की चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो जाती है। एकदम से कीपा पे ले आओ तो बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट किया था। ठीक है, हमने देखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। MOV MOQ का कॉन्सेप्ट बड़ा ही डिटेल में समझाया गया था। ठीक है, MOQ के बारे में आप लोगों को यूजुअली पता ही होता है, लेकिन MOV के बारे में जो है वो नहीं पता होता, और ये एक बड़े ही एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो एक हमने ये चीजें डिस्कस की थी, फिर हमने उनकी शीट्स बनाई। शीट्स बनाने के बाद जो है वो लास्ट लेक्चर हुआ था कॉल्स पे, कि बेसिकली आपने कॉल्स किस तरीके से करनी होती है, मैंने आपको डेमो दिया था। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे बताएं कि अब तक आप लोगों ने जितना कुछ किया है अपने क्वेश्चंस को साइड पे रखते हुए जो आप ऑब्वियसली अभी पूछेंगे, तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं? स्पेशली जो कॉलिंग का लेक्चर था वो आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होलसेल मॉडल। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो आप बताएं। ठीक है, स्पेशली कॉल्स से रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं भले वो कोर्स करके आए हुए हों उनका एक्सपोजर नहीं होगा इस चीज को लेके। ठीक है, एक्सेप्ट कि किसी ने किसी के अकाउंट पे काम किया हो और उन्होंने जो है वो कॉल्स वगैरह किए हो। तो अगर मुझे डेमो आपको देना है या मुझे करके बताना है तो पहले आप इस चीज को क्लियर करें, ताकि फिर हम आगे के क्वेश्चन जो है वो क्लियर करें। ठीक है, प्री इनवॉइस का क्वेश्चन जो है वो अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमारी कोई असाइनमेंट नहीं थी लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली यही है असाइनमेंट, यही है कि आप लोगों ने फोन नंबर लेना है और आप लोगों ने कॉल्स करनी है। ठीक है,
मैट आई कहते हैं यस दिस सेशंस हेल्प मी इन प्रोडक्ट सोर्सिंग व्हिच वाज माय वीकनेस। कोई नहीं, मेहनत से सारी वीकनेसेस जो है वो स्ट्रेंथ बन जाती हैं। बाकी सब क्लियर है, बट कॉल वाला लेक्चर समझ नहीं आया। अच्छा, अब आई डोंट नो आपने कॉल वाला लेक्चर लिया था या नहीं लिया था, बिकॉज उसी का सवाल मैंने पहले किया है। तो वो एक तो काम आपने सबसे पहला ये करना है कि आपने जो है ना वो रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी बारीकी में तो अब दोबारा से रिपीट नहीं कर सकती हूँ। बट आप थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, बात किस तरीके से करनी है वो समझ में नहीं आया, या कोई एक क्वेश्चन हो जो आपका रह गया हो तो वो मैं फिर एड्रेस कर दूंगी। लेक्चर लाजमी सुना करें, रिकॉर्डिंग इसीलिए मैं बड़े ध्यान से करती हूँ कि रिकॉर्डिंग मिस ना हो जाए, बिकॉज वो बाद में बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको समझ। मैम हमारी कोई कंपनी नहीं है, तो ड्यूरिंग कॉलिंग अगर हमसे कंपनी की डिटेल्स या वेबसाइट के बारे में, या वेबसाइट नहीं, अच्छा आपने लगता है लास्ट लेक्चर नहीं लिया, तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी डिटेल्स में वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग पहले असाइनमेंट करने वाले तो बने, आप लोग प्रैक्टिस करने वाले बने, तो आपको जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड मेक श्योर कि लेक्चर को लाजमी सुनिएगा, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट हर चीज को बड़े ही डिटेल में कवर किया था जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया होगा। ठीक है, ताकि कॉल्स करते हुए फिर आप लोग डिमोटिवेट ना हो कि हमें तो पता ही नहीं कि हमने क्या करना है। मैम वाइकी या स्काइप से नंबर परचेज कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे भी कर लें, जहां से भी आपको आसानी हो, अगर आपके पास ऑलरेडी है, क्लाइंट ने दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब देखें मैडम, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड को सेम टेम्पलेट की ईमेल करेंगे या डिफरेंट टाइप की ईमेल करेंगे? अच्छा, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था उसके अंदर टेम्पलेट मैंने रीड भी किया था और वो दिखाया भी था। ठीक है, ब्रांड का और डिस्ट्रीब्यूटर का डिफरेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूटर का बेसिकली कॉल करने के लिए टेम्पलेट था, आपने उसी चीज को क्या करना है ईमेल के तौर पे लिख लेना है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का टेम्पलेट हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से हमने अलग सवाल करने होते हैं और वो वाले सारे सवाल अपने ब्रांड से नहीं करने होते। मैम प्रायर टू कॉलिंग वी नीड टू सेंड देम एन ईमेल, बट वी डू नॉट हैव प्रोफेशनल आईडी, इवन वी मेक अ नॉर्मल आईडी दे वोंट टेक अस सीरियसली। हाँ, ये चीज तो है वैसे कि प्रोफेशनल का एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है, और इस पे मेरी जो है वो सरफान के साथ डिस्कशन भी थी कि यार इसके ऊपर भी कुछ ना होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरीके से इस चीज की भी प्रैक्टिस करवाई जाए। तो वी वर वर्किंग ऑन दिस थिंग कि इसकी अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल हो सकती है, कि कोई वेब मेल वगैरह का सिनेरियो भी निकल आए, ताकि एक बहुत ही अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाए जिन्होंने डेटा बनाना है उनका भी। लेकिन तब तक के लिए आप जीमेल बनाएं, ऐसा नहीं है कि सब आपको जवाब नहीं देंगे, आपको फिर भी काफी सबके काफी सारों के रिप्लाईज जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, आपने करना हर तरीके से। इस इंटर्नशिप में जरूरी तो नहीं कि सेलर सेंट्रल हो, मींस उसके बगैर भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं, जो बंदा सीखने आता है उसके पास सेलर सेंट्रल तो नहीं होता ना। मैम कुछ वेबसाइट्स ऑनलाइन स्टोर मांगते हैं, ऑनलाइन स्टोर का यही होता है कि वेबसाइट वो बेसिकली मांग रहे होते हैं, तो जब आपके क्लाइंट वगैरह आएंगे आपने उनसे वेबसाइट की डिमांड लाजमी करनी है। ठीक है मैम, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में कोई फर्क है? अब डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि आप इसके अंदर अपने आप को कंफ्यूज करें। बेसिकली ये चेन चलती है। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, हम बचपन में पहले प्राइमरी सेक्शन पढ़ते हैं, पहले नर्सरी पढ़ते हैं, फिर फर्दर हम प्राइमरी में जाते हैं, फिर और चीजें एडवांस होती हैं, फिर हम सेकेंडरी में जाते हैं, फिर हम कॉलेज लेवल पे जाते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही चेन चलती है कि एक ब्रांड है, ब्रांड से पहले डिस्ट्रीब्यूटर परचेज करेगा, वो और भी ज्यादा बल्क में कर रहा होता है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर फर्दर आगे होलसेलर परचेज कर रहा होता है, फिर होलसेलर से फर्दर आगे रिटेलर कर रहा होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत रेट में फर्क आ सकता है और इस चीज में आ सकता है, तो आपने दोनों को कंसिडर कर लेना। अच्छा मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि सिर्फ प्री इनवॉइस से कैटेगरी अनगेट हो जाती है? नहीं, पूरी कैटेगरी अनगेट नहीं हो सकती। हाँ, ब्रांड जरूर अनगेट हो सकता है। ठीक है, प्री इनवॉइस कह लें, या वैसे आप अगर इनवॉइस सबमिट करवाते हैं किसी, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ है। ठीक है, हुआ क्या है, हुआ है, और मैंने आप तो उनको शायद बताया भी था कि वो डव के ब्रांड के लिए हुआ था, कि हमने से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि वो प्री इनवॉइस दे रहा था तो उनसे हमने, वैसे वो ब्रांड का ऑथोराइज ही था। ठीक है, तो उनसे जो है वो इनवॉइस लेके की थी, करवाई गई थी सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए, लेकिन क्या हुआ था, उसे पूरा का पूरा डव ब्रांड ही सेलर सेंट्रल के ऊपर अनगेट हो गया था। लेकिन कैटेगरी अनगेटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और उस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सिनेरियो, और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी अलग होती हैं। ठीक है, रिवर्स सोर्सिंग पूछ रही हैं। रिवर्स सोर्सिंग बेसिकली ये होती है कि आप पहले जाते हो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है, उससे शीट लेते हैं, एंड उसके बाद जो है वो आप उसमें से प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही है जैसे
मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे पास जो है वो चीनी खत्म है, ठीक है, मुझे वो लेने जानी है, मैं शॉप पे गई हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या लेना है, मुझे शुगर लेनी है, और मैं उसी शॉप पे गई और मैंने जाके सीधी सीधी ले ली। रिवर्स सोर्सिंग में ये कि मैं पहले किराने की दुकान पे गई हूँ, ठीक है, और उससे पूरा मैंने सारा सामान वगैरह देख लिया है, अब मैं डिसाइड करने वाली हूँ कि मुझे इसमें से क्या क्या परचेज करना है। तो दिस इज रिवर्स सोर्सिंग, कि आप पहले शॉप पे जा रहे हो, पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हो, उसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, फिर आप उसमें से फाइनल करेंगे। मैम आप लेक्चर स्टार्ट कर दें, क्वेश्चंस बाद में होंगे, आई थिंक सो आप देर से आए हैं, आज ये Q&A का ही सेशन है, ठीक है, लेक्चर तो हुआ था ना, इसीलिए ये Q&A का ही है कि आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं आप वो पूछ लें ताकि मैं उनको एड्रेस कर लूँ। बिकॉज ग्रुप खुलता तो मुझे पता है कि मेरे पास बहुत मुश्किल था कि मैं इस मरतबा जो है वो आंसर दे सकती। मैम ओए के लिए भी गाइड करिएगा, थोड़ा बहुत साथ साथ मैं करती जाती हूँ, कोई ऐसा जिसमें डिफिकल्टी होती तो नहीं है, लेकिन चले। मैम हमें जो ईमेल आईडी बनानी है तो उसका तो कोई आइडिया बता देंगे, किस नेम की बनाए ईमेल, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है आप उसकी बना लें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक लाइक मैं कहती हूँ कि निदा LLC है, ठीक है, तो मैं बना रही हूँ nida@gmail.com, ठीक है। मैम ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर के ईमेल में क्या फर्क है? ईमेल में सिर्फ ये फर्क है कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने जो बात करनी है, आपने जो क्वेश्चंस पूछने हैं, आप उसको ड्रॉप करोगे थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। ब्रांड जो है उसको आपने थोड़ा सा काइंड ऑफ इम्प्रेस करना होता है, शुरू में आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अपनी परचेजिंग लिमिट बताओ, ठीक है, अपना बजट वगैरह, वही परचेजिंग लिमिट हो गई, अपनी वेबसाइट वगैरह के बारे में बताएं, उसके बाद आप बोले जी हम इस तरीके से आपके ब्रांड आपका डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह बनने में इंटरेस्टेड है, होलसेलर बनने में इंटरेस्टेड है, और आप हमारे सब कैटलॉग शेयर करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कन्विंस करने की, तो वो आपने कैसे करना होता है, वो आपने करना होता है उनको कॉल पे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बट मैं जितना डेप्थ में जाऊंगी वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन आप अच्छे पोर्टफोलियो, अपना बिजनेस पोर्टफोलियो भी बना के शेयर कर सकते हैं ब्रांड्स के साथ। यस मोहम्मद शादा शहाब यू आर राइट मैम। हेजमेंट प्रोडक्ट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनके साथ जाना चाहिए? पहले कोर्स में तो आपको उनको अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो अमेजोन आपको खुद बता देता है, ठीक है, कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपने उसको सबमिट करना है। एंड अगर कॉल करके हम डिस्ट्रीब्यूटर से कैटलॉग लेते हैं, तो अब जब सब कुछ मिल जाएगा तो मेरी कैटेगरी है पेलो, तो मुझे सब डिस्ट्रीब्यूटर के कैटलॉग चेक करके प्रोडक्ट फाइंड करनी होगी अकॉर्डिंग टू प्राइस, मीन सारी वेबसाइट के डिस्ट्रीब्यूटर्स के कैटलॉग को कंपेयर करना होगा। कैटेगरी आपकी पिलो है क्यों? आप सिर्फ अपने आप को एक पिलो की कैटेगरी में क्यों वो कर रही हैं, वहीं तक क्यों महदूद हैं आप? आप ऐसा मत करें, आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कैटेलॉग लें, उसके अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको स्कैन करें, उसको फाइंड आउट करें और उसको लगाएं, इतना कैटेगरी स्पेसिफाई हो जाएगी तो स्पेसिफिक हो जाएंगी तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसा क्यों लगता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं? मैम जो छोटे ब्रांड, अच्छा मैं ना वैसे ऑलमोस्ट सारे ही लाइन से क्वेश्चन ले रही हूँ, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं चाह रही हूँ मिस ना। अच्छा मैम छोटे ब्रांड से जो है वो 5 प्रोडक्ट देते हैं, और उनकी वेबसाइट पे जाएं तो लिखा होता है फ्री शिपिंग ऑन $50, और प्रोडक्ट की प्राइस लिखी होती है 1 टाइम परचेज सब्सक्राइब, इसका क्या सीन है मैम? क्या हम उनसे बाय कर सकते हैं? अगर करेंगे तो वो इनवॉइस देंगे? आप कर सकते हैं इनवॉइस के लिए, आप उनसे पूछ लें कि वो देंगे, और अमेजोन का नाम लेके आप पूछ लें, ठीक है। सॉरी, ये होते हैं काइंड ऑफ बहुत ही छोटे और थोड़े लोकल से ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपने नाम से प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, एंड इनकी वजह से भी ना इश्यू हो जाता है। अब मैं इसकी रीसेंट एग्जांपल आपको देती हूँ, क्योंकि जो अभी का कोर्स बैच 1 चल रहा है, आपने, मैंने सुना था कि उन्होंने शायद फेसबुक पे भी पोस्ट लगाई, मुझे तो एडमिन ने बताया था कि उनका मसला सॉल्व हो गया, उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटोर सपोर्ट शी जॉइन द कोर्स।
एंड उनकी मेरे साथ और सरफान के साथ मीटिंग हुई थी। अब उनका यही सीन हुआ था कि उनका अकाउंट अच्छा चल रहा था और उन्होंने जो है वो एक ब्रांड की प्रोडक्ट लगाई उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज करके, ठीक है। अब वो कहती हैं कि मैम मैंने ये ब्रांड समझ के ही इनसे जो है वो प्रोडक्ट ली थी और इस प्रोडक्ट ने मेरा अकाउंट जो है वो करवा दिया, ब्लॉक करवा दिया, डीएक्टिवेट करवा दिया, तो अब क्या करना चाहिए और ये वो, ठीक है। तो उनको प्रॉपरली गाइड किया गया था कि आपने इस तरीके से अपील लिखनी है और ये चीजें उसके अंदर मेंशन करनी है, अमेजोन को किस तरीके से आपने कन्विंस करना है एंड ऑल सारी डिटेल्स और हिस्ट्री वगैरह लेके उनको गाइड किया गया था। तो ये है कि उनका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया, शी वॉज वेरी हैप्पी अपील से, और दूसरी चीज ये कि कॉल करने से, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं जब आपने अकाउंट को। अब वहां पे यही सीन हुआ था कि उन्होंने उस प्रोडक्ट के उसको वेबसाइट को जो है ना वो ब्रांड समझा, बेसिकली वो ब्रांड था भी सही एक तरह से देखा जाए, यानी वो अपने नाम से ही उसको सेल कर रहे थे प्रोडक्ट को, लेकिन अमेजोन ने जो है वो उसकी इनवॉइस भी एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। और एक तो अमेजोन उनकी इनवॉइस भी वैसी नहीं थी जिस तरीके से अमेजोन के रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे जो है ना वो इश्यू क्रिएट हुआ, लाइक उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ। तो इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जो लोकल हैं, बहुत छोटे लेवल के ब्रांड्स हैं, शॉपिफाई टाइप वेबसाइट्स वाले ब्रांड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं और इनवॉइस भी बड़ी नॉर्मल सी होती है जिस तरीके से हम कोई परचेजिंग करते हैं, तो आप इनको अवॉइड कर दें, ठीक है। क्योंकि इसका एक सिनेरियो जो है ना वो सामने है कि उनका अकाउंट हुआ है क्रिएटेड, जबकि उन्होंने ये चीज अपील में मैंशन की है कि मैंने इनको ब्रांड समझ के इनसे सोर्सिंग की थी। मैम सोर्सिंग फाइंड करने के लिए पेड वीपीएन प्रेफर करेंगे या फ्री? क्यों पेड की तरफ जा रहे हैं आप? फ्री का वीपीएन लगाएं, सारे वीपीएन सेम काम करते हैं। मैम ओए या होलसेल के लिए वेबसाइट मास्टर? ओए के लिए नहीं आपको चाहिए होती है, होलसेल के लिए आपको चाहिए होती है। गुड क्वेश्चन। व्हेन वी ईमेल और कॉल द ब्रांड डू वी नीड टू हाइड दिस फ्रॉम देम दैट वी प्लान टू सेल ऑन अमेजोन? अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन कुछ ये है कि कुछ टाइम पहले तक जो है वो हम बता के अप्रूवल्स ले लेते थे, बट राइट नाउ द कंडीशन इज वेरी टफ, द मार्केट इज कम्पेटिटिव, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको यही गाइड किया जाएगा कि आपने अमेजोन वाली बात को छुपाना है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये होता है, मैं वैसे पर्सनली इस चीज को प्रेफर नहीं करती, बट ये है कि ऐसे अप्रूवल्स मिल जाते हैं, ठीक है, और अगर आप देखते हो कि अमेजोन पे उसकी प्रोडक्ट सेल हो भी रही है और वो कोई आईपी कंप्लेंट भी नहीं भेज रहा, प्रॉपरली पहले प्रोडक्ट को एनालाइज कर लें, तो फिर आपको ऐसा इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर उस आपको ये लगता है कि कल को जो है वो उस ब्रांड से लाइक अगर कोई इश्यू हो जाता है वो ब्रांड आपकी हेल्प कर पाएगा या उसकी इनवॉइस कुछ भी, तो ऑब्वियसली उसने मना किया हुआ होगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ईमेल में ढके छुपे अल्फाज में लिखते हैं एंड में, ठीक है, समटाइम्स बीच में कि वी सेल ऑन अमेजोन या वी सेल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अमेजोन का वर्ड यूज कर लेते हैं। समटाइम्स बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ब्रांड ने आपकी ईमेल पूरी तरीके से रीड नहीं की होती और वो आपको जो है वो अप्रूवल दे देता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बाद में उनके साथ केस ओपन कर सकते हैं कि हमने अमेजोन का नाम लिखा था और आपने हमें अप्रूवल दिया था। ऐसी सिचुएशन में वो आपको हेल्प कर देगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। पर्सनली पूछे तो मैं इस चीज को अवॉइड करती हूँ, लेकिन अब अमेजोन का नाम लेके अप्रूवल लेना काइंड ऑफ मुश्किल है, तो लोग इस तरीके से लेते हैं और ऐसे कोई इश्यूज नहीं होते। बस आप ये देखो कि वो ब्रांड कितना जागा हुआ है और वो अमेजोन के ऊपर जो है वो कितने आपको लाइक आईपी वगैरह का भेजने वाला सीन है, क्योंकि बहुत से होते ऐसे हैं वो मना करते हैं लेकिन उन्हें खुद खबर नहीं होती कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, स्पेशली जो थोड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ये उनके साथ की सिचुएशन है, ठीक है। तो इस चीज का जवाब जो है ना कुछ इस तरह से है। मैम कैटलॉग लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी होती है, 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको समराइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? स्कैन अनलिमिटेड का टूल है, आप उसको यूज करें, उसके थ्रू जो है वो हो जाएगी। मैम अक्सर ऐसा भी होता है हम जस्ट फॉर चेक ऐसे ना ऐड करते हैं तो अमेजोन इनवॉइस मांगने लग जाता है और ना देने पर अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। नहीं ऐसा तो नहीं होता। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ लिस्टिंग चेक कर रहे थे और अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, नो। असल में तो मैंने एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, आईपी कंप्लाइंस प्रोडक्ट्स ये होती हैं कि आपका ब्रांड, देखिए आईपी कंप्लेंट होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी इजी एग्जांपल दूं तो इजी एग्जांपल ये है कि आपने जो है वो अभी फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप देखते हैं जी, आप किसी का म्यूजिक है, किसी का गाना है, उसकी परमिशन के बगैर जब यूज कर लेते हैं तो वो आपको कॉपीराइट भेज रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक पाकिस्तानी म्यूजिक इंडियंस यूज कर लेते हैं तो उस पर इशू हो रहा होता है, क्योंकि हर बंदे के पास एक राइट है। वो कहते हैं जी मेरी कॉपी की गई और मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया गया कि ये सॉन्ग मेरा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे वो ब्रांड जो है वो आईपी कंप्लेंट भेजते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी मलकियत थी, मुझसे पूछे बगैर आप कैसे सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है।
आपने रिसेलर सर्टिफिकेट शेयर नहीं किया, मैं हम आगे कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो रिसेलर सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एडमिन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैम मैं सब सीख लेता हूँ, थोड़े टाइम बाद मुझे लगता है मैं भूल गया। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना अकाउंट हैंडलिंग के बारे में और हैंड्स ऑन के बारे में मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लियर कर देती हूँ। आपके सवाल आ रहे हैं और यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते भी हैं। द वर्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, आप सबको इसका मतलब नहीं पता, ठीक है, बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन किसी एक को भी नहीं पता होता कि बेसिकली हैंड्स ऑन वर्ड का जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। एंड आई डोंट नो हु हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस वर्ड इन द मार्केट के हैंड्स ऑन हैंड्स ऑन हैंड्स ऑन। ठीक है, अगर हाँ हम ये बोलें कि हम लोग कोर्सेज करके आते हैं, हमें हैंड्स ऑन नहीं करवाया जाता, वो जो हैंड्स ऑन है ना रियल में, वो वाकई नहीं करवाया जाता। क्यों? क्योंकि वो तो आपको इनफ नॉलेज भी नहीं दे रहे ना, ठीक है, इतनी नॉलेज भी नहीं दे रहे जिससे आपने मार्केट में बेसिकली सर्वाइव करना है। नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है साथ में प्रैक्टिस। अगर मैं बात करूँ सिर्फ स्पेसिफिकली होलसेल मॉडल की, पीएल वगैरह की नहीं, पीएल वगैरह पे वाकई आपको अकाउंट के ऊपर करना पड़ता है, आपको करवाना भी चाहिए। होलसेल मॉडल के अंदर अगर हम बात करें अकाउंट हैंडलिंग में, या अकाउंट में आपने क्या करना है, ठीक है, अकाउंट हैंडलिंग या अकाउंट का काम बहुत कम रह जाता है, बहुत 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 कम रह जाता है। जिस बंदे को बाकी सारी चीजें आती हैं, उसने कभी अकाउंट की शक्ल नहीं देखी या सिर्फ देखा होगा और उसके पास अकाउंट आएगा, वो अकाउंट के ऊपर आराम से अपने फिंगर्स घुमा सकता है, ठीक है, कोई ऐसा जो उसमें मुश्किल काम नहीं होता। अगर आप FBA करें, आपको तो आनी चाहिए कि आपने बेसिकली लिस्टिंग कैसे करनी होती है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। लिस्टिंग करनी आ गई और शिपमेंट प्लान बनाना आ गया, होलसेल में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक मरतबा ये करनी आ गई तो आप अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हैं, आगे से अमेजोन ने खुद देखना है। अब आपको पता क्या होना चाहिए होलसेल मॉडल में? सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट लगाएंगे कहाँ से, वो कैसे आएगी, ठीक है, अगेन वो कैसे आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से कांटेक्ट करके आएगी। अभी आप लोगों को शायद एहसास ना हो, आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि क्यों डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड, बार बार ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर। जो बंदा होलसेल मॉडल में कदम रखता है उसको पता लगता है कि असल इंसान वही कामयाब है जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रांड्स हैं, उसकी प्रोडक्ट्स हैं। अकाउंट्स की लाइन लग जाएगी, आप लोगों का सारा शौक उतर जाएगा अकाउंट देखने का, उस पर काम करने का। और मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं तीन तीन क्लाइंट्स उनके हाथ में आके चले गए हैं जस्ट बिकॉज उनके पास डाटा ही नहीं था। जब उनको बताया गया कि आपने डाटा बना के रखना है, आपके पास ये चीजें होनी जरूरी है, क्लाइंट आ जाएगा, अकाउंट हैंडल हो जाएगा, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ये किसी ने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया है, मोहम्मद हारिस जान, कैंसिल कीजिए इसको प्लीज। अच्छा, तो यहाँ पे अब सिचुएशन जो है वो ये बनती है कि आपने क्या करना है, आपके पास डाटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अकाउंट आ गया, ये सारी चीजें नहीं होंगी आप किसी का भी अकाउंट रन नहीं कर पाएंगे, इसलिए फोकस ज्यादा आप इन चीजों के ऊपर करें, ठीक है। आप लोगों को अकाउंट चलाना आ जाएगा जिस दिन आपके पास सारी चीजें। हाँ, ये जरूर है कि आपको ये पता होना चाहिए पॉलिसी वायलेशंस कैसी कैसी आती है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा पॉलिसी वायलेशंस आ रही होती हैं, तो आप लोगों को जो है वो इस चीज को टैकल करना आना चाहिए कि आपने जो है वो पॉलिसी वायलेशंस के ऊपर किस तरीके से काम करना है। रिमूवल ऑर्डर जनरेट करना पड़ जाएगा, अपील लिखना ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तो आजकल बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है वो आनी चाहिए। एंड ये अभी जो है वो कोर्स का पार्ट है, इनशाला आई होप सो के लोगों को हेल्प हो। मैम ये ब्रांड वही सेम होते हैं जो अमेज़न के पेज पे नेम पे लिखे होते हैं टाइटल में, विजिट स्टोर में? हाँ जी, स्टोर से आपको पता लग जाता है। शिपमेंट प्लान थोड़ा सा डिस्कस कर लें, शिपमेंट प्लान पे आपका लेक्चर होगा तो उसमें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करनी है, नेक्स्ट असाइनमेंट में आपने कॉल्स करनी है। हाँ, अगर ब्रांड जो है वो अमेज़न के लिए अलाउ नहीं करता लेकिन वेबसाइट पे कर सकता तो हम जा सकते हैं, यस आप जा सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे एक चीज पे बड़ा गौर रखिएगा, बड़ा गौर और फिक्र से काम कीजिएगा कि प्रोडक्ट एनालिसिस अपना बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखें, ठीक है, हर एक चीज आपने लाजमी देखनी है। अभी मैं उसने कोर्स वालों को कीपा का लेक्चर करवा रही थी, आप लोगों का भी आया नहीं था, उनके सामने लाइव मैनुअली ऐसे ही प्रोडक्ट हंट की थी, सब कुछ उसमें अच्छा था, बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी थी, लेकिन हमने जब ऑफर्स में जाके देखा तो स्टॉक ही नहीं बिक रहा था। तो ऐसी प्रोडक्ट में मैं अपने आप को क्यों बिना वजह का फंसा लूं जहां मुझे पता है बाय बॉक्स भले मिल रहा है, इट डजेंट मैटर, जब आपके पास सेल ही नहीं आ रही, लोग आपसे प्रोडक्ट वो वाली खरीदना ही नहीं चाह रहे, तो फिर आप अपनी जो है वो इन्वेंट्री वहां पे क्यों फंसाएंगे, ठीक है। मैम कैन वी सेल रिनाउंड ब्रांड लाइक डव बाय बाइंग ऑथेंटिक सप्लायर्स बल्क क्वांटिटी में, या व्हाई नॉट, अगर वो लग रहा है और प्रॉफिट मार्जिन है तो आप लगा सकते। व्हेन वी डू कीप अप प्रैक्टिस सून इनफ,
मैम आपने कहा था एफबी पे सेल करो प्रोडक्ट को, लेके डिस्ट्रीब्यूटर को पे करके प्रोडक्ट लेंगे, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों, हमें पहले ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर को पे करके प्रोडक्ट लेनी होगी या क्लाइंट मिलने के बाद जो हो जाएगा। नहीं यार आप लोग बहुत ही ज्यादा मासूम है, शायद बहुत ज्यादा बिगनर लेवल पे हैं, ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है, सोर्स है, आपने उस बंदे को उस प्रोडक्ट का एसएन देना होता है, उसके स्टैट्स वगैरह पहले हाइड करके दिखा के, देन उसके बाद आपने क्या करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड का बताना होता है उसको, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि आप जो है वो करो अप्रूवल लेके दो, तो फिर आप अप्रूवल लेके देते हैं और उस हिसाब से आप म्यूचुअल कंसेशन के साथ उसको वो पैसे पैसे उन पे बात करते हैं। विच डेटा शुड वी हैव, आपके पास जो है वो ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर उसकी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। इज एलएलसी नेसेसरी फॉर होलसेल? यस। अच्छा मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप लोग तो अपनी सेटिंग्स देखें, डायरेक्ट नहीं वो कर रहे हैं, सबको शो हो। हाँ डिस्ट्रिक्ट सोर्सिंग फाइंड करना मुश्किल है, प्रॉफिट नहीं निकलता है। यस दिस इज द केस, आपको जो है वो करते रहना है, ठीक है, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैम डेटा क्या होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन हो गया। क्लाइंट हंट करने से पहले कौन कौन सा डेटा होना चाहिए? क्लाइंट हंटिंग आप लोग साथ साथ भी करें जब आपके पास मोर देन इनफ नॉलेज आ जाए, आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं, ठीक है। आपके पास डेटा में जरूरी चीज ये है प्रोडक्ट को, ठीक है, और होलसेल में प्रोडक्ट होने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर एंड ब्रांड हो, जस्ट, ठीक है। बाकी आपके पास सारी नॉलेज होती है, ठीक है, आप लोगों को साथ साथ दी जा रही होती है, ये डाटा होगा तो ही आप किसी का अकाउंट रनिंग में ला सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ टाइम के बाद तो वो तंग होकर चला जाएगा ना। नहीं, आप अपने सेलर सेंट्रल से मत बनाया करें, अपने डिटेल्स जो है वो यूज नहीं किया करें बिला वजह, ठीक है। क्लाइंट का ही अकाउंट हो तो उसके साथ ही आप करें। एंड आई थिंक सो सेलर सेंट्रल टूल प्रोवाइडर्स बिना अकाउंट के भी करके दे देते हैं, मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास अकाउंट तो नहीं होता लेकिन वो सेलर सेंट्रल यूज कर रहे होते हैं। आप अकाउंट टूल प्रोवाइडर से पूछेगा, बिकॉज हमारे पास तो अकाउंट्स होते हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ ही अटैच होता होगा। और मैंने तो बड़ा लंबा अरसा हो गया स्कैन की वो शीट, पीछे से होके आती है स्कैन शीट्स, टीम के मेंबर्स कर देते हैं। मैम एक बार इनवॉइस देकर जब आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट लगाई तो फिर से इनवॉइस देंगे, अगर वो मांग रहे हैं तो आप देंगे, वैसे इनवॉइस से एक बार अनगेट हो जाए तो फिर नहीं पड़ती है सच जरूरत। नहीं आपने अगर एक मरतबा गलत मजाक मजाक में अकाउंट बना लिया था और वो नहीं बना तो आई डोंट थिंक सो आपका वो एड्रेस नहीं होगा एक्सेप्ट। और दूसरी बात ये है कि सेम एड्रेस के ऊपर दो अकाउंट्स नहीं बनते हैं, ठीक है, आपको एक अलग एड्रेस चाहिए होता है। मैम इफ यू सर्च डिस्ट्रीब्यूटर सिटी वाइज इज इट अ गुड आइडिया? यस ये एक टेक्निक है जब आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना होता है उससे। अच्छा मेरे पास और क्या क्या क्वेश्चंस हैं मैम, कोर्स के अंदर अपील राइटिंग वगैरह इंक्लूडेड होगी या नहीं होगी? कोर्स इज डिजाइंड इन अ वे, ठीक है, कि हमने उसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है जब बैच वन का हो रहा था, बिकॉज इसका कोई इंटेंशन नहीं था या कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे न्यूबीज वगैरह की तरफ से आते थे कि आप जो है वो करवा रहे हैं, तो वी थॉट कि आप 3-4 के लिए मैं कस्टमाइज क्या करूँ, तो फिर हमने पहले क्योंकि आप लोग तो बैच 3 हैं, बैच 1 बिल्कुल नया था, तो उनसे पोलिंग करवाई गई थी और मेजोरिटी के डिसीजन पे फिर उस हिसाब से हुआ था। तो यस वी डिजाइंड इट इन अ वे, जो चीजें हमारे साथ गलत हुई थी, ठीक है, फ्रॉम day 1 अफान के साथ, मेरे साथ, हमारे बाकी के टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है, ऑब्वियसली। और फिर मतलब आज भी दुख होता है कि वो चीज कम नहीं हुई है, स्टूडेंट्स के साथ आज भी वही सब कुछ हो रहा होता है जब वो आते हैं तो जो करवाया जाता है, इवन दे पे हेफ्टी अमाउंट, तो वो सारी चीजें इंक्लूड करनी है जो कि किसी ने कभी नहीं सोची होती है कि यार हमने ये करवाना है, सोची नहीं, उन्हें पता होता है लेकिन वो करवाते नहीं है, आई डोंट नो व्हाई वो करवाते नहीं है, ठीक है। तो वी डिजाइंड इट इन अ वे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि बैच 1 के साथ किस तरीके से सिचुएशन चल रही है, तो देखिए हंटिंग है जिस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब
ये हंटिंग ना आपकी लाइफ टाइम चलेगी, जितना टाइम आपने अमेजोन के पर काम करना है आपकी हंटिंग चलती जाएगी चलती जाएगी, आप दिन ब दिन नई चीजें सीखते जाएंगे। लेकिन आपको किसी ने ये नहीं सिखाया होता कि आपको सब कुछ आ गया, आपने क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, आपने उसको अपना अपने आप किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। लाइक अभी आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को 2 महीने के बाद रियलाइज होता है कि मैं फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में हूँ, लोग मुझे कैसे पहचानेंगे, तो आप अपनी इस चीज के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, राबिया अली साइम, आप लोगों ने कोर्सेस कर लिए, किसी को क्या क्या मतलब इल्हाम होगा कि इन्होंने ये फलाना कराची से इस्लामाबाद से, ये घर पे बैठा हुआ है, ये फ्रीलांसर है, मुझे इसके पास जाना है और मुझे इनसे अपना अकाउंट हैंडल करवाना है। नो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या राइट स्ट्रेटेजी है और टारगेटेड ऑडियंस कहाँ है आपकी, जहाँ से आपने लोगों को अप्रोच करना है, ये चीज आपको नहीं बताई जाती, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपने उसको किस तरीके से टैकल करना है वो नहीं सिखाया जाएगा, कौन से गलत काम है जिस तरफ नहीं जाना है, ठीक है, जहाँ से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा वो आपको नहीं सिखाया जाता है। सो दीज आर सम बेसिक्स, ये कोई बहुत एडवांस नॉलेज नहीं है जो मैं कहती हूँ कि हम दे रहे हैं या हमने इसमें ऐड किया, ये हर एक स्टूडेंट की बेसिक नेसेसिटी है जिसने उस चीज के लिए पे किया, ठीक है, तो उसको जो है ना ये चीजें सारी बतानी चाहिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग हो गया कहाँ से, अब फॉर एग्जाम्पल लाइक वी हैव सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अब उनको आप एक्स्ट्रा भी नहीं कह सकते लेकिन वो ऐसी हैं कि अभी 2 लेक्चर्स के बाद आए आस्क द स्टूडेंट्स, अच्छा बताएं क्या चेंजेस आए हैं, तो देर वर सो मेनी हु सेड कि मैम हमें नहीं पता था हम इतना अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस हमने एक्सप्लोर किया, उनकी कुछ एक्टिविटीज इस तरीके की थी, ठीक है, हमें ये पता लगा कि अच्छा हम भी इस तरीके से बोल सकते हैं, जस्ट लाइक आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं कल को अगर हमें किसी क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, वी हैव लाइक डेमोज के अगर क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है, वो भी एक लेक्चर होने वाला है, तो उसके अंदर जो है वो क्लाइंट के साथ किस तरीके से आपने बात करनी है, उसके कौन से क्वेश्चंस होंगे, ये तो क्लाइंट हंटिंग का जो इंटर्नशिप में लेक्चर होगा उसके अंदर भी होगा और उसमें भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जिनके ऊपर ग्रिप होनी बहुत जरूरी है, ये लगती छोटी है लेकिन इस चीज का एहसास तब होता है जब आपको काम नहीं मिल रहा होता और आप कहते हो हमें सब कुछ आता है लेकिन हमें क्यों क्लाइंट नहीं मिल रहा या हमें क्यों काम नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये वो कुछ बुनियादी चीजें हैं जो बाकी सारी चीजों के साथ बड़ी ही इंपॉर्टेंस रखती हैं, एंड इट्स वेरी सैड टू सी दिस थिंग कि ये चीजों के ऊपर काम नहीं करवाया जाता। एंड मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगी लेकिन मुझे इतना पता है जो मार्केट में काम कर रहा होता है, बिकॉज मैं भी इसी फील्ड से हूँ, मुझे भी इसके सारे अप्स एंड डाउन्स पता है, ठीक है, अच्छे बुरे हालात सब हमने मिलके देखे हैं, जो मेंटोर आपको करवा रहा होता है ना उसको हर एक स्टूडेंट का पोटेंशियल पता होता है, ठीक है, और उसको पता होता है कि मैं कौन सी ऐसी चीज है जो मैं इनको गाइड नहीं कर रहा या मैं इनको नहीं बता रहा और ये चीज आगे जाके इनको कामयाब होने से रोकेगी या इनको नुकसान पहुंचाएगी, और ये हर इदारे को हर मेंटोर को पता होता है बट उसके बावजूद भी ये लोग इस चीज के ऊपर काम नहीं करते, ठीक है। संडे को फर्स्ट क्लास का टाइम बता दें, हाँ जी वो सून एडमिन हर चीज आपके साथ शेयर कर देंगी, डोंट वरी, द टाइम टेबल एंड एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, कैटलॉग से एक भी प्रोडक्ट नहीं मिली तो मैं यहाँ पे आके स्टक हो गई, इट्स डिफिकल्ट, ये चीजें चलती रहती हैं, लाइक वी हैव द शीट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन फिर भी रोज इसके ऊपर काम हो रहा होता है, रोज काम हो रहा होता है, तो इसलिए आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने करते जाना है, ठीक है, मिल जाएंगे, ये चीज कभी नहीं रुकने वाली और होलसेल मॉडल में तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली, ये चीजें जो है वो आपकी साथ साथ चलती हैं, ठीक है। आजकल एक बड़ा इम्पोर्टेंट असाइनमेंट चल रहा है मैम आप एज एन इंस्टीट्यूट वर्क करेंगे एजेंसी, आप इसको एजेंसी ही कंसिडर कर सकते हैं, लाइक वी आर ए मेंबर ऑफ मेंबर्स 20+ हमारी टीम है, ठीक है, और हमारे पास ये चीज है कि हमारे पास हर फील्ड के बंदे के साथ जान पहचान है, लाइक वी हैव इथिकल हैकर्स एज वेल, ठीक है, मतलब उनके साथ भी कॉन्टेक्ट्स हैं, फिर इसके अलावा डिवेलपर्स के साथ हैं, फिर LLC क्रिएशन वाले हो गए, वेबसाइट वाले हो गए, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो हर बंदा ही हमारे साथ समझ लें कि इन्वॉल्व है, एंड इसमें बड़ी एफर्ट लगी है जो आजकल कोर्स वालों को करवाया जा रहा है, कल उनको ये असाइनमेंट दिया गया है बेसिकली एजेंसी बिल्डिंग के ऊपर कि आपने फ्यूचर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, ठीक है, आप लोगों को भी मैं यही मशवरा दूंगी कि हमेशा ना अकेले अकेले का मत सोचे, मैं अकेला ही, मेरे पास 4 अकाउंट आ जाए बस मैं ही कमा लूं मैं ही रख लूं, नो, आप 2 अकाउंट हैंडल कर लोगे, आप 3 अकाउंट हैंडल कर लोगे, जिस दिन 4 हो जाएंगे ना आपसे एक पे भी काम नहीं होगा, ठीक है, सो टीम बिल्डिंग जो है ना इज द की टू सक्सेस, हम लोग 20 लोग हैं फिर भी कोशिश होती है इसको कब 50 पे लेके जाना है, ठीक है, कब मेरे ऊपर से बर्डन को काम होगा, कब किस तरीके से काम को डिवाइड करना है, तो ये कांस्टेंट स्ट्रगल है और ये जो है ना ये लॉन्ग टर्म में कामयाबी का मैं कहती हूँ कि एक बहुत वो है, ठीक है,
बहुत बड़ी एक टिप है कि लॉन्ग टर्म में अगर कभी कामयाब होना, एंड दूसरी बात ये जो स्ट्रगलिंग फेज में आप लोगों को साथ मिला लोगे ना, वो आपका कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते, ठीक है। मोहम्मद खान कहते हैं, मैम आप जो कोर्स का बोल रही हैं वो एग्जैक्टली ऐसा ही है, मुझे बहुत अफसोस हुआ था कोर्स करके, ऐसा ही है, मुझे पता है ये अलमिया है हमारे मुल्क का, एंड अल्लाह माफ करे फीस इतनी ज्यादा है। मैं वैसे बताऊं, जितना टेक्निकल नॉलेज इसमें होता है बिजनेस की फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, पैसे लेना बुराई नहीं है, ठीक है, आपने भी काम करना, क्लाइंट का काम मुफ्त में नहीं करेंगे, लेकिन उस पैसे को हलाल तो करें ना एटलीस्ट, ठीक है। जिस बंदे ने पैसा दिया ना, उसने मेहनत से दिया, तो आप एटलीस्ट जो पैसे चार्ज कर रहे हो अपनी एफर्ट के, आप उसको दो, ठीक है, आप उस जो वो डिजर्व करता है ना, आप उसको एटलीस्ट वो चीज दें। पैसे लेना कोई नहीं, अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है ऑब्वियसली वो डिजर्व करता है। आप किसी क्लाइंट का काम करेंगे, आप उससे पैसे चार्ज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है आप उससे पैसे चार्ज करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर बंदा पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है और करनी भी चाहिए, ठीक है। नहीं, फिजिकल इंटर्नशिप्स तो फिलहाल नहीं है, ऑनलाइन है, एंड आई ऑल्सो प्रेफर दिस ऑनलाइन थिंग। भाई अब ऑनलाइन का जमाना आ गया, फिजिकल से बाहर आ जाए आप लोग भी, ठीक है, हर चीज ऑनलाइन हो जाती है। मैम अकाउंट्स मिल जाएंगे हमें कोर्स कम्पलीशन का, इनशाला इस कोशिश तो पूरी है कि आपको जो है वो इस काबिल बना दिया जाए कि आपको मिल जाए, इवन साथ साथ भी मिल जाए। शुरू शुरू में हमने इंडिविजुअल इंटर्नशिप दी थी, तब टीम बिल्डअप करनी थी, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना था, तो तब भी मैं पोस्ट वगैरह लगाया करती थी, तो अब लोगों को मिला था। वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो अभी मीटिंग जो है वो बिल्कुल एंड हो जाएगी, समझा, ठीक है। एड्रेस रिटर्न करना है ईमेल में, एलएलसी का नाम से, अच्छा हाँ वो एलएलसी पे दिया होता है एड्रेस, वो इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप में तो आप ऑलरेडी है ना। अच्छा, डू यू थिंक कि मुझे एक और सेशन रखना चाहिए? आई थिंक सो, ये हो गया है, काफी सारे क्वेश्चंस तो हो गए ना, मतलब अभी ही के बाद तो नहीं रखना चाहिए। लेस देन 1 मिनट है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड आई होप सो कि काफी सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों के हो गए होंगे। आमीन, यस मैम, इनफ है, दिस इज इनफ।